हेलो, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आपका दोस्त अभिषेक आज फिर आपके सामने एक छोटी सी कहानी के साथ। एक बार की बात है, बूढ़े दंपत्य व्यक्ति एक शहर की आउटिंग साइड में एक कॉलोनी थी जहां पर वो रहते थे, जहां अभी नई नई कॉलोनी डेवलप हो रही थी, चार पांच घर बने हुए थे और वो वहां पर रहते थे। उनको हमेशा सिक्योरिटी की प्रॉब्लम रहती थी। वो हमेशा इस बात से परेशान रहते थे कभी कोई घटना ना घटित हो जाए, जिसकी वजह से वो देर रात कभी बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन उनके रूटीन में था कि वो सुबह उठ करके मॉर्निंग वॉक जाते थे। तो जब मॉर्निंग हो जाती थी, सूर्योदय हो जाता था, तो वो दोनों लोग उठ करके अपने रूटीन को फॉलो करते थे और मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि एक लड़का साइकिल के पीछे फावड़ा बांध करके तेजी से साइकिल को चला करके जा रहा है और उन दोनों लोगों ने देखा तो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया कि होगा कोई कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे दिन फिर वो लड़का फावड़ा बांध करके जाते हुए दिखाई दिया, तीसरे दिन फिर से दिखाई दिया, चौथे दिन फिर से दिखाई दिया, पांचवें दिन फिर से दिखाई दिया। जब चार पांच दिन लगातार वो लड़का दिखाई दिया तो आंटी ने आखिर अंकल जी से बोला कि चलिए चल करके देखते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी कॉलोनी में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तो अंकल जी बोले कि चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो उसको। लेकिन आंटी जी की जिद थी तो अंकल जी बोले कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कल हम दोनों साथ में चलते हैं और चलने के बाद देखते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर वो जाता कहाँ है और करता क्या है। दूसरे दिन वो दोनों अंकल और आंटी फिर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकले और निकलने के बाद उस लड़के के पीछे पीछे जाते हैं और जाने के बाद देखते क्या है कि वो लड़का साइकिल से जा रहा है और कुछ दूरी पर जाने के बाद एक बड़े से पेड़ के नीचे साइकिल को खड़ी करता है, फावड़ा उठाता है और खाली जगह पड़ी होती है फावड़े से वहां उस जगह की खुदाई करना शुरू कर देता है। तो कुछ देर देखते हैं और देखने के बाद थोड़ी सी हिम्मत करके वो उससे पूछते हैं कि भाई आप यहाँ इस मिट्टी को, इस जगह को क्यों खोद रहे हैं। तो वो लड़का बड़ी सुंदर शब्दों में जवाब देता है, बोला अंकल जी मैं आपको डेली देखता हूँ कि आप मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं और आप हमें देखते हैं, आप हमें देख करके परेशान मत होइए, हम आपके लिए कभी कोई परेशानी क्रिएट नहीं करेंगे, हमारी अभी हाल ही में जॉब लगी हुई है और मैं उसी लिए यहाँ पर आकर के खुदाई कर रहा हूँ। तो अंकल जी पूछे कि भाई हमें भी बताइए ऐसी कौन सी जॉब है जिसमें आपको खुदाई का काम मिला हुआ है। बोला अंकल जी हाल ही में हमारी एक फार्म हाउस में जॉब लगी हुई है जहां पर उनको एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसको खेती का काम आता हो, लेकिन मुझे खेती का काम तो आता नहीं है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जब तक जॉब के लिए हमारे पास कुछ जो टाइम है उस टाइम में हम कुछ काम कर लें और हम यहाँ खुदाई करके फावड़ा वावड़ा चलाना सीख जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम जॉब से बाहर नहीं निकाले जाएंगे। तो उन दोनों लोगों ने उस लड़के को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देने के बाद वापस चले आए। इस छोटी सी कहानी से मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि जीवन में कामयाबी के लिए प्रैक्टिस का होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, सक्सेस तो पाना चाहते हैं, सफल तो होना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, लाइफ में बहुत कुछ अचीव भी करना चाहते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करना नहीं चाहते, मेहनत करना नहीं चाहते। और बिना संघर्ष के, बिना मेहनत के, बिना प्रैक्टिस के कभी इंसान को सफलता नहीं मिलती। वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस विल मेक अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि प्रैक्टिस विल मेक एवरी वन परफेक्ट, जो भी व्यक्ति प्रैक्टिस करता है वो परफेक्ट बनेगा ही बनेगा। दोस्तों आप जिस भी क्षेत्र में हैं, जहां भी काम कर रहे हैं, वहां पर अगर आप ऊंचाइयां छूना चाहते हैं तो आप उस काम की इतनी प्रैक्टिस करें, उस काम के माहिर बन जाएं, मास्टर बन जाएं। वो कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर तब बने क्योंकि वो प्रैक्टिस करते थे, बारिश के मौसम में भी वो प्रैक्टिस करते थे। इतना बड़ा खिलाड़ी बारिश के मौसम में क्यों प्रैक्टिस कर रहा है, क्यों खेल रहा है, क्योंकि वो महान बनना चाहते थे। तो दोस्तों जीवन में अगर कुछ बेहतर करना है तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि प्रैक्टिस करें, आप जिस काम में हैं उस काम के माहिर बन जाएं, सफलता झक मार के आपके पीछे आएगी। बाकी दोस्तों कहानी अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं और अब तक कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरा अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जब तक के लिए नहीं मिलते, विश यू ऑल द बेस्ट, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, हमेशा खुश रहें और अपने अपने काम में व्यस्त रहें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।